Want to cut across to Lav Agarwal, Joint Secretary Health, for a bigger picture of India's war against coronavirus. स्टेट हैं, जिसमें बिहार भी एक स्टेट थी, लेकिन आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं. साथ ही उस समय हमने बताया था कि करीब 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं. लेकिन एक स्थाई पर बिहार में केसेस एक्टिव केसेस में कमी पाई गई, दूसरे स्थाई पर जम्मू और कश्मीर के केसेस बढ़कर 50,000 से 1 लाख के बीच में होने की वजह से टोटल 8 स्टेट्स में ओवरऑल एक्टिव केसेस पाए गए हैं. इसी के साथ ही अगर हम देश में पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं. यहाँ मुख्य विषय जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि हाई केस पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है. तो जरूरत है कि हमारे हर स्थाई पर प्रयत्न हो कि हम केस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, जिसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ मास्क और ओवरऑल सैनिटेशन पर हम अपना ध्यान बनाए रखें. इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक पॉजिटिविटी है और 8 स्टेट और हैं जिनको कि देखें तो पाते हैं कि जहां पर 20% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई गई है. वाइल दिस इज ए वरीसम ट्रेंड, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले एक हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%, यानी कि इससे पहले एक जो ट्रेंड इंक्रीज इन पॉजिटिविटी की तरफ था, अब हम उसमें थोड़ा सा एक कमी भी पा रहे हैं. साथ ही वह स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस सबसे अधिक थे, यानी कि जहां पर हम एक्टिव केसेस ज़्यादा पा रहे थे, उनमें से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कमी नोट कर रहे हैं. इसके साथ ही हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर प्लेटोइंग और डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें कि हमने पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि 18 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर यह प्लेटोइंग नोट की गई है, जो अब बढ़कर 20 स्टेट्स में हम पा रहे हैं. और जिसमें मुख्यतः अगर देखें, नई स्टेट जो ऐड हुई हैं वह है कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और गोवा, जहां पर थोड़ा बहुत प्लेटोइंग हम नोट कर रहे हैं. साथ ही 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हम जो पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेज नोट कर रहे हैं, और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है. इसके साथ ही कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर कि हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट कर रहे हैं. हम अगर उन स्टेट की बात करें तो हम देखते हैं कि वह स्टेट 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिसमें से कुछ स्टेट्स हमने दिखाई हैं. मुख्यतः एरियाज ऑफ कंसर्न रिमेन इन टर्म्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर, ऐसी कुछ स्टेट जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस अभी भी नोट किया जा रहा है. एक मुख्य विषय जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओवरऑल केस डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है. जो पिछले 2 हफ्तों का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा. जैसे आप नासिक में देखें तो एक शार्प फॉल इन केसेस नोट किया जा रहा है. 35,000 जहाँ वीकली केसेस आते थे, वो 22,000 के करीब रह गए हैं. ठाणे जैसे 32,000 से 15,000 के करीब रह गए हैं. इसी तरह भोपाल में भी एक कंटिन्यूस डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन नोट किया जा रहा है. अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है. साथ ही हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने अभी भी हैं, जिनको हम बताएं तो देखेंगे 316 जिले ऐसे हैं देश में जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है. जरूरत है कि इन सब जिलों में कंटेनमेंट एफर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट के साथ मिलकर हम काम करते रहें. इसमें उन 316 जिलों के बारे में बताते हुए जिसमें मुख्य जिले जहां पर एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे. जैसे आप देखें चेन्नई में 28,000 से बढ़कर जो वीकली केसेस आते थे वह करीब 48,000 हो गए हैं. मलप्पुरम केरला में 17,000 से 28,000,
अहमदनगर इसी तरह हम देखते हैं कि कंटिन्यूड इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड में, कोल्लम इन केरला, तुमकुरु इन कर्नाटका, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड चेंगलपट्टू इन तमिलनाडु, इन सभी जिलों में एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से और इन जिलों से संपर्क करके इन सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे हमें कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफ़ी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि हम देखें तो 22 से लेकर 28 अप्रैल तक अगर देश में ऐसे 125 जिले थे जहां पर वीकली पॉजिटिविटी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा था, वह जिले बढ़कर 29 अप्रैल से 5 मई को 182 जिलों में कन्वर्ट हुए। और अब एक पॉजिटिव न्यूज़ के सामने 6 से 12 अगर मई का हम डेटा एनालाइज करते हैं तो ऐसे 338 जिले हैं जहां पर एक स्थाई पर टेस्टिंग में कमी नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया गया है। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज पीपल अबव 45 ईयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एफर्ट्स जो कि हमारे फील्ड फंक्शनरी जो पिछले 1 साल 4 महीने से कोविड के विषय में काम कर रहे हैं, आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे कि मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने RWS के साथ, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहाँ पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होना चाहें उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही पेशेंट्स को ये ऑप्शन दी जा रही है कि या तो आप उन पर्टिकुलर आइसोलेशन सेंटर्स में आ सकते हैं, और अगर दूसरे स्तर पर आप अपने घर में भी रहना चाहते हैं तो आपको चाहे मेडिसिन की सप्लाई हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी हो, चाहे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिलीवरी हो घर पर, वह भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इन सेंटर्स में एक और एफर्ट किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्टी सिलेंडर्स अगर जो होते हैं वह अगर वहाँ पर जमा किया जाए तो सेंटर कॉन्सोलिडेट करता है उन एम्प्टी सिलेंडर्स को और भरकर उनको फिर पर्टिकुलर पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ही एक और दूसरा इनिशिएटिव हम आप लोगों की दृष्टि में एक केस एनालिसिस के रूप में लाना चाहेंगे। कितना जरूरी है कि हम कंटेनमेंट पर पूरा ध्यान दें, रूट कॉज इज कंटेनमेंट। अगर हम कंटेनमेंट पर एफर्ट रखेंगे तो हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे, एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस को मैनेज करने में सक्षम होगा। जैसे कि अगर आप देखें, रायपुर में 11% केस पॉजिटिविटी जो कि 15 मार्च के करीब थी, वह एक रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के रूप में 16.4%, बढ़ते बढ़ते 28%, फिर 44% और अधिक बढ़ते बढ़ते 54.6% तक केस पॉजिटिविटी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर उन्होंने शुरू में होम क्वारंटाइन भी शुरू किया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन तब भी केसेस में बढ़ोतरी चलती जा रही थी। उस समय पर जब रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर इम्पोज किए फ्रॉम अप्रैल 9th ऑनवर्ड्स, तब भी जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं कि कोई भी कंटेनमेंट एफर्ट जब हम फील्ड पर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में करीब 14 दिन लगते हैं, 7 से 14 दिन में उसका इम्पैक्ट हम फील्ड पर फील कर सकते हैं। हमें इंटरमिंगलिंग रोकने का जब पर्सन लेवल पर काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, तो उसके साथ ही आप देखेंगे तब भी केसेस में एक बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि फील्ड लेवल पर ये कंटेनमेंट एफर्ट जारी रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स जारी रहे, इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड किया गया, तो आज जब कंटेनमेंट एफर्ट्स वहाँ पर आज भी चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफ़ी हद तक वहाँ पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहाँ एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी, जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं।
साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाए। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। साथ ही उन्होंने CSR का पूरा उपयोग करते हुए वहां पर एक न्यू PSA प्लांट का भी ऑर्डर किया, जिसको उन्होंने त्वरित एक स्पीड से उसको स्टार्ट भी किया। फिर उसी तरीके से काम करते करते उन्होंने नए सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया और उस PSA प्लांट को ऑपरेट करने के कारण से वह उस स्थिति में आ गए कि उन्होंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हम बेड को प्रोवाइड भी करते हैं तो जैसे हम सबको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड, तो क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक से की तो उसके कारण वह 15 दिनों के अंदर ही अपने बेड को 3 गुना बढ़ा पाए। और साथ ही उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ, आज उनकी सिचुएशन यह है कि वहां पर ऑक्सीजन बेड और ICU बेड्स अवेलेबल हैं, वेकेंट अवेलेबल हैं। उसके साथ ही उन्होंने CSR को भी, यानी कि पब्लिक माइंडेड इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट करते हुए, एक स्थाई पर RNA एक्सट्रैक्शन मशीन, दूसरे स्थाई पर वेंटिलेटर्स, हाई फ्लो नेजल कैनुलाज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने जिला स्तर पर ऑर्गेनाइज किए। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई, जो कि पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमें हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं, वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट टू यू कि आज जब एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को फिजिकल डिस्टेंसिंग के थ्रू तोड़ें, जिसके विषय में मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा कि अगर एक आदमी पॉजिटिव है और वह अपने आप को प्रॉपरली आइसोलेट नहीं करता तो वह अपने संपर्क में आने वाले सभी आदमी को पॉजिटिव करता जाता है और यह एक चेन के रूप में आगे बढ़ता रहता है, जिसमें कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इससे करके 8 से 16 और 32 एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो क्या जरूरत है, क्या हम करें कि जिससे हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने को रोक सकें। हम आपसे हमेशा इस विषय में रिक्वेस्ट करते आए हैं, सबकी नॉलेज में लाते लाए हैं और पिछले एक साल से देश में हर नागरिक ने हमें सपोर्ट दिया है कि हम इस पर काम करते हुए रहें। लेकिन क्योंकि कुछ हद तक जैसे केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है और साथ ही हाइयर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है, तो हमारी आप सबसे विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को हम बिल्कुल ना भूलें। हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है तो जो पॉजिटिव पेशेंट है वह प्रॉपरली आइसोलेट हो, वह अपने घर में आइसोलेट होकर रहे, अपने घर के बाकी मेंबर से आइसोलेट होकर रहे, ताकि हम उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़कर बीमारी को फैलने से रोक सकें। यह हमारी रूट कॉज अप्रोच होनी चाहिए, जिसके तहत ही हम ओवरऑल कोविड की इस महामारी से जीत सकते हैं। इसी विषय में अंत में मैं आप लोगों के सामने एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना जो है वह हम सबके लिए कलेक्टिव करने वाला एफर्ट्स है। एक स्थाई पर सरकार, एक स्थाई पर हर कॉमन मैन, हर सिटीजन, हम मिलकर काम करें तो जब हम I और U, यानी कि हम, आप और हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे तभी हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। इसके लिए आप सबसे सहयोग की फिर से अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए इसी तरीके से काम करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। So Love Agrawal there giving details about what needs to be done to break the chain of transmission, shared some of the success stories, including the Prime Minister's constituency, Varanasi, where a Kashi COVID center has also been set up. And the local administration took immediate steps to ensure that multiple oxygen generation plants were set up.